हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है गणेश चतुर्थी स्पेशल। मेकअप लुक मैं कर रही हूँ, मैं अभी फटाफट क्रीम लगा लेती हूँ, फिर फाउंडेशंस, ब्लश, आई शेडो और नोज पिन सब कुछ। इसके बाद आपको मैं बताऊँगी कि मैंने कैसे ये सब लुक इन्हेंस किया। अगर आपको भी कुछ और भी करना है तो आप इस तरह से मेकअप कर सकते हैं। क्रीम लगाने का सबसे पहले मैं अपने फेस पर जो है ना मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई करूँगी ताकि स्किन बिल्कुल स्मूथ रहे फाउंडेशंस के लिए। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन। इवेनली लगाना ज़रूरी है ताकि फ्लॉलेस दिखना ज़रूरी है। आप लोग अपने शेड के हिसाब से चूज़ करना। थोड़ा सा मैं ब्लश अप्लाई करूँगी ताकि गणेश चतुर्थी का ग्लो है ना मेरे गालों पे फेस्टिवल के वजह से आ जाए और शेड परफेक्ट है। शो गाइज, इसके बाद जो है ना मैं पहले अपने चेहरे को सेट कर लेती हूँ। सेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो आगे का मेकअप हो ना बहुत अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पे मैं आई शेडो लगा रही हूँ। आई शेडो कम्प्लीट मेरा हो जाएगा तो मैं उसके बाद जो है ना अपना लुक तैयार करने वाली हूँ। उसके बाद मैं आई लाइनर लगाऊँगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसा होती है ना कि मेकअप में कभी ये लगाएं तो ये रह गया, वो लगाएं तो ये रह गया, तो आई शेडो भी इस तरह से मैं लगा रही हूँ। मेरे साड़ी के हिसाब से मैंने चूज़ किया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आईलाइनर लुक, आंखों को दिखाना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है क्योंकि आंखों के वजह से ही हमारे लुक ज़्यादा क्रिएट होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि मेकअप में बहुत ज़रूरी होती है। तो फिर मैंने फटाफट काजल लगाया, फिर मैंने लिपस्टिक लगाया। तो सबसे बड़ी बात है ना कि गणेश चतुर्थी के मेकअप लुक में जो है ना कुछ खास चीज़ें होती है जो कि इस फेस्टिवल को और भी स्पेशल बनाती है। सो गाइस, तो गणेश चतुर्थी पर बोल्ड लिप्स का भी ट्रेंड होता है, जैसे रेड, मरून या डार्क पिंक शेड्स आप जैसा भी हो हाईलाइट करते रहें क्योंकि उसमें ट्रेडिशनल्स होते हैं तो आउटफिट के साथ वो परफेक्ट लगता है। और यहाँ पे गाइस थोड़ा सा मैंने जो है ना नोज पिन और ये बिंदी जो होता है ना मेकअप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो है ना गणेश चतुर्थी जो होता है यहाँ का ट्रेडिशनल मेकअप लुक होता है। तो इस तरह से मैंने अपने आप को तैयार किया है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा गणेश चतुर्थी।